औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। आज व्यूअर्स, क्यों ना बच्चों के लंच के हिसाब से कोई रेसिपी बनाई जाए। जी, आज बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और यमी किस्म के जिंगर फ्राइज। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली टेस्टी और यमी रेसिपीज को आप फॉलो कर सकें। जिंगर फ्राइज बनाने के लिए मैंने दो बाउल ले लिए हैं और एक प्लेट ले ली है। अब सबसे पहले मैं एक कप से कुछ कम जो है मैदा ले रही हूँ एक बाउल में, और दूसरे बाउल में मैं ले रही हूँ तकरीबन दो कप के करीब मैदा। एक बाउल में हमने दो कप मैदा लिया है और एक में एक कप मैदा लिया है। अब हम इन दोनों के अंदर अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और एक टीस्पून ही इसमें भी पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ वन टीस्पून के करीब ही मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इसके बाद मैं इन दोनों में एक टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, और एक टीस्पून के करीब ही इसमें भी नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इस वाले में वन टीस्पून के करीब चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसका एक थिक बैटर हम बनाएंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये बैटर रेडी हुआ है इसको हम थोड़ा सा थिक बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर मैं और पानी ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा थिक सा बन जाए। ना ज़्यादा इसको थिक रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है, वरना वो फिर कोटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेंगे आलू। आलूओं को मैंने क्या किया है, ये देखिए वेजेस की शेप में कट कर लिया। आप जिस तरह से काटना चाह रहे हैं आलूओं को आप वैसे काट सकते हैं। काट के मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद पानी में डुबोकर मैंने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन डिप करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर इसको डिप कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर डिप करने के बाद हम इसको सॉलिड बैटर में डिप करेंगे, और इसके बाद हम दोबारा से इसको इसके अंदर डिप करेंगे, थोड़ा सा झड़क लेंगे। इसके बाद दोबारा से इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से बनके निकल जाएंगे, और इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, स्टोव को ऑन कर लिया है। ये मैंने पहले ही ऑयल में एक स्लॉट फ्राई कर लिया था, अब मैं दूसरा स्लॉट फ्राई कर रही हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये रेडी कर लिए थे मैंने। इनकी एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी जब आप फ्राइंग के लिए डालें तो पहले आपने इनको टच नहीं करना, थोड़ी देर के बाद आपने इन्हें टच करना है। चलिए जी, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। रेडी हैं हमारे फ्राइज। चटपटे से और क्रिस्पी से जिंगर फ्राइज कैसे लगे आपको, घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।